मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन का दूसरा पार्ट, मियोसिस। क्योंकि हम आप जानते हैं माइटोसिस हमने पढ़ लिया है, माइटोसिस होता था ग्रोथ डिवीजन और मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। एज यू कैन सी द रिडक्शन, बिकॉज व्हाट रिडक्ट्स, क्या कमी होती है इसमें। इसमें जो मदर सेल होती है या पेरेंट सेल होती है वो 2n होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। व्हाट इज डिप्लॉयड, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पेयर्स में होते हैं। तो 23 पेयर्स पेरेंट सेल में होते हैं। जो डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं मियोसिस प्रोसेस में, उसमें 23 रह जाते हैं क्रोमोसोम्स, मतलब पेयर्स नहीं होते हैं। तो एक्चुअली 46 से 23 आ गया, तो ये रिडक्शन हुआ है, इसलिए दिस डिवीजन इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। एंड दैट द माइटोसिस का वो क्या था, ग्रोथ डिवीजन। उससे जो जो माइटोसिस है वो नॉर्मल सेल्स में होता है, और ये जो मियोसिस है ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जहाँ पर हमारे गैमिट्स फॉर्मेशन होते हैं, जैसे स्पर्मोजेनेसिस और ओजेनेसिस। तो इसके अंदर आपके ओसाइट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। ये जो गैमिट्स बनते हैं ये एन होते हैं, यानी हैप्लोइड्स होते हैं। इनकी मदर सेल जो 2n होती है, उससे हर सेल से 4-4 गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। ये स्टेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स फिर जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट अगेन बिकम ए 2n एडल्ट। तो अगर ये स्टेज नहीं होती तो हमारा जो 2n का कंटिन्यूएशन है, हमारा जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का जो कंटिन्यूएशन है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और इस डिप्लॉयड को कंटिन्यूएशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो लाइफ में पाया जाता है, रिडक्शन एंड प्लस अगेन एड या सम अप। तो एन प्लस एन, जो दो गैमेट्स सम अप होते हैं और जायगोट बनता है, तो अगेन इट इज 2n। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये जो रिडक्शन डिवीजन है ये होता कैसे है, बता दिया आपको कहाँ होता है, होता कैसे है? ये होता है दो पार्ट्स में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकंड कुछ नहीं है, मियोसिस सेकंड इज एक्चुअली माइटोसिस। मियोसिस फर्स्ट ही इम्पोर्टेंट है। मियोसिस फर्स्ट में एक्चुअल रिडक्शन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैपन्स, जो कि प्रोफेज की जो 5 स्टेजेस आपको दिखाई गई हैं ये इसमें होता है। तो हम डिफरेंशिएशन के लिए इन सभी को लिख सकते हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और इन सभी को सेकेंड, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इस तरह नंबरिंग दे दी जाती है। प्रिपरेशन के लिए आपको पता है इंटरफेज इज फॉर प्रिपरेशन। जीवन फेज में सभी रॉ मटेरियल कलेक्ट होके सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका डुप्लीकेशन हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल बन जाते हैं। सिंथेसिस फेज में टेट्राड फॉर्मेशन हो जाती है, आपको बता दिया है मैंने व्हाट इज टेट्राड, टेट्राड इज दिस एंड अदरवाइज क्रोमोसोम डायड दिस स्टेज में रहते हैं। तो टेट्राड फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। उसके बाद जी टू फेज के अंदर करेक्शन, G2 फेज के अंदर अगर कोई ओमिशंस करेक्शंस हैं वो G2 फेज के अंदर हो जाते हैं। कुछ गलती रह गई है जेनेटिक मटेरियल में, अच्छे से डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, सेल ऑर्गेनल्स में कोई पार्ट रह गया है, मेनली इसमें DNA का चेक होता है और कोई ज़्यादा चेक नहीं होता है। तो DNA मटेरियल इम्पोर्टेंट है, और कोई अगर सेल ऑर्गेनल छूट भी जाता है तो भी इतना कोई मैटर नहीं करता है, बट DNA इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका जो चेक होता है कि सही से बना है या नहीं बना। तो टेट्राड्स जो है अब वो प्रोफेज स्टेज में चले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये सब कैरियोकाइनेसिस के पार्ट हैं, तो ऑल दिस थिंग हैपेंस इन ओनली इन न्यूक्लियस। ये सब कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। ये सब कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। नाउ इट इज फर्स्ट फेज प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट जो इसकी स्टेज है, दिस इज कॉल्ड लेप्टोटीन, दिस इज कॉल्ड लेप्टोटीन। ये हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है सेंट्रियोल्स के द्वारा, जो तो प्रोफेज जो है वो यहाँ पर, प्रोफेज जो स्टेज है वो
यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, सारी की सारी प्रोफेज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। होता क्या है इस स्टेज में, टेट्राड क्लियरली हो जाते हैं, टेट्राड क्लियरली दिख जाते हैं और ये लेप्टोटीन फेज कहलाते हैं। लेप्टो मतलब थिन, लेप्टो मीन्स थिन, ये थिन स्ट्रक्चर जो दिखने लग जाती है, विजिबल हो जाती है, दैट इज तो ये क्रोमोसोम्स हैं वो लेप्टोटीन स्टेज यानी प्रोफेज के अंदर दिखने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे 23 पेयर्स हैं, तो फर्स्ट पेयर का जो क्रोमोसोम्स है, जैसे सपोज कीजिए ये और ये फर्स्ट पेयर के हैं, तो ये नज़दीक आ जाता है, दिस इज कॉल्ड, तो इसमें जाइगो मतलब डबल हो जाते हैं ये, तो जाइगो जाइगो इसमें कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आपस में नज़दीक आ जाते हैं, तो पेयर्स बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड जाइगो, तो इसको हम जाइगो बोलते हैं, ये जाइगोटीन स्टेज हो गए, दिस स्टेज इज कॉल्ड जाइगोटीन। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस हैं, ये पेयर बना लेते हैं। आप देख सकते हैं होमोलोगस में अब हम चार क्रोमेटिड्स इसके और चार इसके, टोटल 8 क्रोमेटिड्स हम वॉच कर सकते हैं। दिस हैपन्स इन जाइगोटीन, ये आपस में इन्होंने एक पेयर बना लिया है। नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज इज पैकिटिन। पैकिटिन में ये इम्पोर्टेंट एक फिनोमिना होती है, इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, सपोज कीजिए इसमें हमने जीन्स ए बी सी डाल दिए और इसके अंदर हमने डी ई और एफ डाल दिए, तो ये जो जीन्स हैं, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये नज़दीक आ जाते हैं और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि एकदम नज़दीक आए हैं, नज़दीक आ जाते हैं और इन आपस में जुड़ जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही जुड़ जाते हैं, नहीं तो ये अलग हो जाएंगे, तो इस जो कॉम्प्लेक्स का यूज़ है, इनको जोड़े रखना होता है, तो यहाँ पर पैकेटिन में ही इनमें जो क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर मीन्स जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का ए जो जीन है वो इस तरफ चला जाएगा और इसका जो डी जीन है वो इस तरफ आ जाएगा, इस क्रोमेटिड्स में आ जाएगा। इसी तरह हर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीन का क्रॉस ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीन्स की जो स्ट्रक्चर थी वो चेंज हो चुकी है, जैसे सीरीज में था इसी, यहाँ ए जीन इसका इधर जा चुका है, इसका डी इधर आ चुका है, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है इससे हम यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक सेल्स प्राप्त करते हैं। जो डॉटर सेल्स होती हैं वो चार की चार यूनिक होती हैं, उसमें आपस में कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है माइटोसिस से, क्योंकि माइटोसिस में आपको पता है कि जो पेरेंट सेल्स से जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो सारी की सारी, दोनों डॉटर सेल्स होती हैं वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी होती हैं या आइडेंटिकल होती हैं, बट यहाँ पर जो डॉटर सेल्स होती हैं वो यूनिक होती हैं, कोई भी मदर सेल की कॉपी नहीं रहती है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट स्टेज है इसके अंदर डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, जो जो आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में बंध गए थे, जो जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा था वो प्रॉपर विजिबल हो जाता है डिप्लोटीन। डिप्लोट का मतलब होता है टू, तो अब यहाँ पर हम दो क्रोमोसोम्स क्लियरली देख सकते हैं, डिप्लो मीन्स टू, तो दो क्रोमोसोम्स क्लियरली देख सकते हैं, और इस जो फेज को,
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अभी भी आपस में बंधे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं क्यास्मा। तो क्यास्मा फॉर्मेशन होता है, क्यास्मा में इनका जो इस जीन एक्सचेंज हुआ है उसका कंफर्मेशन हो जाता है, जो जीन अच्छे से जो जुड़ना है और जो अलग होना है, इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो अलग होना है वो क्यास्मा फॉर्मेशन में होता है। तो धीरे 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 जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो दूर हो जाते हैं और डायगेनेसिस में ये थोड़े थोड़े चिपके रह जाते हैं बस। लास्ट स्टेज इज डायगेनेसिस। डायगेनेसिस में इस तरह ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थोड़े थोड़े चिपके रह जाते हैं। अब ये डायगेनेसिस की इस फेज के अंदर ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ था दो सेंट्रियोल्स के द्वारा, अब वो मूवमेंट करने लगते हैं मिडल की तरफ। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इनमें हो चुका है, आपस में होमोलोगस पेयर बने हुए हैं। ये पेयर जो है ये ऐसा कैसा पेयर मेटाफेजिक प्लेट की तरफ, ये जो ये मिडल है इसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, इस प्लेट की तरफ ये मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो ये इधर आ रहे हैं। तो दैट इज द प्रोफेज इज कंप्लीटेड नाउ इट इज। तो डाइकेनेसिस में क्या होता है, आपस में जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है उनका किन की तरफ, ये सेकेंड फेज मेटाफेज प्रोग्रेशन हो जाती है। प्रोफेज इज कंप्लीटेड। अभी हम देख सकते हैं कि मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेजिक प्लेट, इसको हम मेटाफेज, ये मेटाफेज फर्स्ट है। तो इस मेटाफेजिक प्लेट सिचुएशन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो आप यहाँ आ चुके हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं थोड़े थोड़े इसमें टच रहते हैं। अभी इनको पुल अपार्ट किया जाता है नेक्स्ट फेज में, एनाफेज। अभी इनको पुल अपार्ट यानी इस तरफ खींचा जाता है। ये नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, दिस इज कॉल्ड एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है कि इसमें बहुत दो पोल्स होते हैं, इन पोल्स की तरफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है उस पेयर्स में से एक एक क्रोमोसोम जो पोल्स की तरफ खींच लिए जाते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट दो हमें जो एक जो टेट्राड होमोलोगस कपल था उसमें से एक एक टेट्राड यहाँ पर पोल्स पर इकट्ठा हो जाता है। तो लास्ट फेज इज टेलोफेज। टीलोफेज के अंदर ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो गायब हो जाता है, सेंट्रियोल्स भी गायब हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द मियोसिस फर्स्ट वी आर गेटिंग दिस, ये हमारा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जो टेट्राड है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पार्ट था, वो जो आपस में पेयर थे, पेयर अनपेयर हो चुका है। अब ये टेट्राड है, ये 23 टेट्राड इधर इकट्ठे हो जाते हैं और 23 टेट्राड इस पोल पे इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, ये टेट्राड सभी अलग अलग हैं, टेट्राड्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हैं, ऑल आर गिविंग ए यूनिक थिंग्स। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस दो पार्ट में बंटना स्टार्ट हो जाता है और जो हमें डॉटर न्यूक्लियस मिलता है वो मिलता है 23 टेट्राड्स के रूप में।
हमने शुरू किया था 46 टेट्राड यानी 23 पेयर होमोलोगस के रूप में, 23 पेयर थे हमारे पास शुरू में टेट्राड के। और अब हमें जो दो डॉटर न्यूक्लियाई मिलती हैं उनके अंदर 23 टेट्राड है, पेयर में नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो स्टेज है ये स्टेज एन हो चुकी है, बिकॉज जो पेरेंट सेल थी उसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे और ये जो रिडक्शन हो चुका है डॉटर सेल्स में 23 आ चुके हैं। अब जो म्यूसिस सेकंड है, म्यूसिस सेकंड इज जस्ट ए कॉपी ऑफ माइटोसिस, मींस इट इज एक्चुअली माइटोसिस। तो इसके अंदर इनका कॉपी होता है और कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, नॉर्मल फेजेस हैं। जैसे प्रोफेज इज एक्चुअल प्रोफेज, जो टेट्राज हैं वो स्पिंडल फॉर्मेशन फिर होता है, न्यूक्लियस ऑब्वियसली न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ये सब कुछ। न्यूक्लियस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट होती है, जैसे टेट्राड है तो टेट्राड के अंदर ये प्रोफेज होता है, प्रोफेज के अंदर यहाँ पर जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होके जो टेट्राड है वो ये जैसे टेट्राड है ये प्रोफेज के अंदर प्रिपेयर हो जाते हैं। इसका जो सेंट्रोमियर पार्ट है जो जुड़ जाता है स्पिंडल एमओटीसी से, माइक्रोट्यूबुल से, माइक्रोट्यूबुल ऑपरेट अपैरेटस से। फिर ये मेटाफेज है, मेटाफेज में सेम मेटाफेजिक प्लेट की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं और आप मेटाफेज देख सकते हैं। इसकी जो मेटाफेज है ये इस तरह होती है, ये मेटाफेजिक प्लेट आ गई। अब इसकी जो एनाफेज प्लेट है, एनाफेज स्टेज है, एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होता है, ये सेंट्रोमेर यहां से स्प्लिट अप हो जाता है, स्प्लिट अप होके इसके जो टेट्राड था वो अब डायार्ड नजर आता है। और ये मूवमेंट इस तरफ चालू हो जाती है और लास्ट में हम आते हैं टीलोफेज पर। टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं, सेंट्रियोल गायब हो जाती है और हमको लास्ट में मिलता है दो डायड। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स के नंबर और फिर न्यूक्लियस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो हम दो डॉटर न्यूक्लियर बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स के नंबर तो सेम रहे, तो 23 था, 23 से हमने दो सेल्स बना दी, इनमें भी 23 हैं, तो दोनों सेल्स जो डिवाइड होते हैं तो टोटल 4 इन नंबर सेल बन जाती हैं जो कि 23। लेकिन हमें जो मेन जो स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ, इसमें टेट्राड थे वो डायड बन गए क्योंकि स्प्लिट अप हो गए, लेकिन नंबर सेम रहता है। तो नंबर सेम रहता है इसकी वजह से जो एंड ऑफ द इवेंट हमें क्या मिला, तो 46 क्रोमोसोम्स की जो 2n स्टेज थी उससे हमें 4n 4n डॉटर सेल्स बन मिल गई। ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n, इन सभी में ऑल आर हैप्लोइड। 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो गैमिट्स बनते हैं ये अगेन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में तो दूसरा मेल गैमेट या फीमेल गैमेट से कंबाइन होते हैं और फिर जायगोट बनाते हैं और फिर अगेन जो लाइफ है, जो 2n स्टेज है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है एनिमल की, वो चालू होती है। तो इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि जो आप कंपेयर करते हैं अगर माइटोसिस से, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और वंस इन ए वाइल होने वाली जो प्रक्रिया है, क्योंकि जो माइटोसिस है वो पूरे शरीर में होता रहता है, ये स्पेशल सेल्स में होता है, मैंने आपको बता दिया, स्पेशल ओकेजन्स पे होता है जब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करना पड़ता है। और इसका जो आप अगर माइटोसिस का पूरा एक वीडियो हमने बनाया है पिछली क्लास में, वो अगर देखना चाहते हैं तो आप इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख सकते हैं, इसका दिया हुआ है। और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको कौन से सब्जेक्ट पर आगे वीडियो चाहिए, तो हम इस पर वीडियो तैयार करेंगे। और आप बताइए कि हमारा
कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।